नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, बात कर रहे हैं हम RAS की मुख्य परीक्षा के बारे में, जिसमें आपका जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जो आपके शब्द यूज किए जाते हैं, ऑफिशियल जो वर्ड होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आपके कुछ हिंदी में जो आपके प्रशासनिक कार्य हेतु जो वाक्यांश होते हैं और अभिव्यक्तियां होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब आप पत्र लेखन वगैरह आप लिखते हैं, निबंध लेखन वगैरह लिखते हैं, तो उनमें इन वर्ड्स की यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स के बारे में। जैसे अंग्रेजी शब्द, आपका एक तरफ हमने अंग्रेजी शब्द लिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका हिंदी शब्द बताया गया है कि उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो जैसे असेट के बारे में बात करते हैं, असेट्स असेट्स होता है परिसंपत्तियां या फिर आस्तियां। जो असेट्स यूज किया जाता है ये परिसंपत्ति या फिर आस्तियों के बारे में यूज किया जाता है। अप्रेजर अप्रेजर जो शब्द यूज किया जाता है ये किया जाता है आपका मूल्य निरूपक के लिए। अब जैसे तीसरा शब्द है अपना ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जो यूज किया जाता है वो होता है स्वायत्त, स्वायत्त के लिए यूज किया जाता है। इसको हिंदी अर्थ में अगर यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्वायत्त के लिए यूज में लिया जाता है। ऑडिटेड अकाउंट आपका चौथा वर्ड जो है, ऑडिटेड अकाउंट जो है परीक्षित और लेखा, परीक्षित लेखा जो कि आपके इसके लिए यूज किया जाता है। पांचवा आपका जो शब्द है, आपके जो अंग्रेजी शब्द है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये शब्द जब यूज किया जाता है तो ये किया जाता है संविदा भंग करने के लिए। तो संविदा भंग का अर्थ निकलता है इससे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब यूज करते हैं तो। जैसे अब छठा नंबर का है आपका बल्क इंडेंट। बल्क इंडेंट का मतलब होता है आपका थोक मांग पत्र। जो बल्क इंडेंट अगर यूज किया जाता है तो वो किया जाता है आपका थोक मांग पत्र के लिए। अगला देखते हैं, जैसे सेवंथ नंबर पे है वाई वे ऑफ अमेंडमेंट। वाई वे ऑफ अमेंडमेंट तो ये यूज किया जाता है आपका संशोधन के रूप में, ये संशोधन के रूप में इस शब्द का यूज किया जाता है इसको। अगला है आपका कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है आपका निर्णायक मत, निर्णायक मत के लिए इसको यूज किया जाता है कास्टिंग वोट। 9वें नंबर पे है आपका कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का यूज किया जाता है आपका परिवर्तन के लिए। कम्यूटेशन का जब यूज करते हैं तो इसको कहते हैं परिवर्तन के लिए। 10वें नंबर पे आपका काउंटर चार्ज। जब काउंटर चार्ज शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका प्रत्यारोप के लिए। प्रत्यारोप शब्द जो है ये इसके लिए हिंदी अर्थ निकलता है, इसका हिंदी शब्द होता है प्रत्यारोप, उसके लिए काउंटर चार्ज इंग्लिश में लिया जाता है यूज। 11वें नंबर पे आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी जो अंग्रेजी शब्द है ये यूज लिया जाता है आपका विश्वसनीयता के लिए, विश्वसनीयता को बताने के लिए। 12वें नंबर पे आपका डीम फिट। डीम फिट जो है आपका उचित समझना, इसके लिए यूज किया जाता है। ये ऑफिशियली लैंग्वेज है उनमें आपके ये वर्ड यूज किए जाते हैं आपके। जैसे डिफर, 13वें नंबर पे आपका डिफर। डिफर का मतलब होता है अस्थगित करना, अस्थगित करना, इसका मतलब होता है अस्थगित करना यूज करने के लिए, ठीक है। अब अगला है आपका 14 नंबर, डिसअप्रोवेशन। डिसअप्रोवेशन का मतलब होता है आपका अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए, ठीक है, अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए डिसअप्रोवेशन यूज करते हैं। 15वें नंबर पे आपका एंडोर्स। एंडोर्स जो यूज किया जाता है वो प्रष्टांकन करना या फिर समर्थन करना, इसके लिए यूज किया जाता है एंडोर्स शब्द को यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक कार्य हेतु जो वाक्यांश होते हैं उनके लिए तथा अभिव्यक्तियों के लिए बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी अभिव्यक्ति क्या होती है और उसका हिंदी में अनुपात क्या होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस इज एज फॉलोज। जब ये लाइन अगर लिखी हुई होती है तो इसका मतलब होता है मामले का संक्षिप्त इतिवृत्त इस प्रकार है, इसको यूज किया जाता है आपका मामले का संक्षिप्त इतिवृत्त इस प्रकार है, जब ये ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस इज एज फॉलोज लिखा हुआ होता है। दूसरा है आपका एक्सेप्टेंस इज अवेटेड। यह आपका जो लिखा हुआ एक्सेप्टेंस इज अवेटेड, तो ये जब यूज किया जाता है ये किया जाता है आपका स्वीकृति की प्रतीक्षा के में, स्वीकृति की प्रतीक्षा में इसको बताने के लिए लिया जाता है, इसका हिंदी अनुवाद जो निकलता है। 3rd नंबर पे आपका एक्शन मे बी टेकन एज प्रपोज्ड। ये जो आपका अंग्रेजी अभिव्यक्ति है एक्शन मे बी टेकन एज प्रपोज्ड, जब यूज किया जाता है तो ये लिखा हुआ होता है, तो इसका अर्थ होता है यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जाए, यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जाए। 4th नंबर पे आपका एक्ट ऑफ मिसकंडक्टेड। मिसकंडक्ट, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, इसका मतलब होता है आपका कदाचार, इसके लिए जो हिंदी शब्द हिंदी जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कदाचार। 5th नंबर पे आपका बाई हैंड। बाई हैंड जो होता है दस्ती, दस्ती के लिए, दस्तावेज वगैरह जो होते हैं आपके दस्ती के लिए दिया जाता है आपका बाई हैंड। 6th नंबर पे आपका कैरी आउट। कैरी आउट जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका पालन करना। कैरी आउट जो शब्द है ये जो आपका ये जो अभिव्यक्तियाँ यूज की जाती है तो इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ होता है पालन करना।
सातवें नंबर पे आपका ड्यूली कंप्लाइड। ड्यूली कंप्लाइड जो शब्द यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है विधिवत पालन किया गया। ड्यूली कंप्लाइड का अर्थ जो निकलता है हिंदी अर्थ, वो निकलता है विधिवत पालन किया गया। एट नंबर पे आपका फॉर अप्रूवल। फॉर अप्रूवल का जो जब यूज किया जाता है तो इसका अर्थ होता है अनुमोदनार्थ या फिर अनुमोदन के लिए, अनुमोदनार्थ या अनुमोदन के लिए। अब नाइन्थ नंबर पे आपका हैविंग रिगार्ड टू। हैविंग रिगार्ड टू जो शब्द यूज किया जाता है इसका अर्थ होता है ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए या ध्यान में रख कर इसको यूज किया जाता है। दसवें नंबर पे आपका इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ जब यूज किया जाता है तो इसका अर्थ होता है के बावजूद। ये शब्द जब भी ये यूज किया जाएगा तो इसका अर्थ होगा आपका के बावजूद। देखिए ये दोस्तों, ये आपके ऑफिशियल टर्म्स वगैरह हैं, आपकी जो प्रशासनिक कार्य हेतु वाक्यांश तथा विभक्तियाँ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल्स, इनको जनरली हम लोग देखते नहीं हैं, याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमने ये वीडियोज इस तरीके से बनाया है तो आपको ये हम हर थोड़े दिनों में आपको हम कंटिन्यू इसका रेगुलर इसका वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेजी जो आपके शब्द होते हैं, हिंदी शब्द क्या निकलता है, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं उनके बारे में, अभिव्यक्तियों के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।